जय जोहार। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है हमारा शारीरिक दंड, ठीक है। तो शारीरिक दंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं शारीरिक दंड क्या है। शारीरिक दंड को अगर हम देखें तो दो तरीके से देखते हैं, एक शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति हमको शारीरिक रूप से क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति हमको क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, शारीरिक दंड कहलाएगा। मानसिक दंड के ऊपर हम बात करें तो किसी व्यक्ति के द्वारा हमको क्या करें, मानसिक रूप से कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमको क्या करें, मानसिक रूप से हानि पहुंचाए। मानसिक रूप से हानि कैसे पहुंचा सकते हैं, तो हमको लज्जित करें, हमें विवश करें किसी काम को करने के लिए, तो या कहीं भी अगर हम किसी कार्य को नहीं करते हैं तो हमको बेइज्जत करना, तो इस प्रकार की जो काम है वो मानसिक दंड के अंतर्गत आएगा। चलिए बात कर लेते हैं शारीरिक दंड होते कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो शारीरिक दंड के लिए हम बात करें तो स्कूलों में, छात्रावास में, हम एक ही पक्ष को नहीं लेंगे, हम दूसरे पक्ष, जैसे हम घरों में भी देखते हैं, घरों में भी शारीरिक दंड देते हुए देखा जाता है। तो स्कूलों की बात कर लें, स्कूलों में या अन्य जगहों पर आरटी 2009 के अनुसार से, 2009 के अनुसार से अगर हम देखें तो शारीरिक दंड जो है कानूनन अपराध है। अगर किसी भी शिक्षक के द्वारा, किसी भी अधीक्षक के द्वारा बच्चों को किसी कार्य को न करने पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित किया जाता है तो उसे शारीरिक दंड की श्रेणी में रखा जाता है। अगर बच्चों को क्या करें, किसी कार्य को देते हैं तो किसी कार्य को किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उसे हम अगर मारते हैं, पीटते हैं, उसे दंड देते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, शारीरिक दंड के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बात करें, मानसिक दंड देते हुए भी स्कूलों में देखा जाता है। मानसिक दंड क्या हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम देते हैं और बच्चों को कार्य देने के बाद उस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो उनको हम कक्षा में बच्चों के सामने क्या करते हैं, लज्जित करते हैं, उनको दो बातें सुनाते हैं, या क्लासरूम से हम बाहर कर देते हैं या स्कूल से बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिक प्रताड़ना जो है मानसिक दंड के अंतर्गत आएगा। चलिए इसके प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव सामने आ सकता है। तो यहाँ पे शारीरिक रूप से पहले देख लेते हैं कि शारीरिक रूप से दंडित करने के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो शारीरिक करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो तुरंत देखने को मिलता है। शारीरिक रूप से ये जो प्रभाव है आपको तुरंत देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम किसी बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, तो उसका प्रभाव हमें शारीरिक रूप से देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं मानसिक रूप से अगर दंड दिया जा रहा है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं। मानसिक रूप से दिए जाने वाले दंड के जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी बच्चे को लज्जित करते हैं, किसी बच्चे को विवश करते हैं, किसी बच्चों को क्लासरूम से बाहर करते हैं तो वो बच्चा शर्म के कारण किसी कार्य को करने से हिचकते हैं, किसी भी कार्य को करने या किसी भी कार्य को करने के लिए आगे आने में हिचकते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि अगर शारीरिक रूप से दंडित किया जाए तो कहीं कहीं देखा ये जाता है कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो शारीरिक दंड, मानसिक दंड के जो परिणाम हैं वो देखने को हमको मिलता है। इसका परिणाम कुछ इस प्रकार से भी निकल के आता है कि अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दंडित किया जाता है तो कुछ बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, और ये आक्रामक होना किसके प्रभाव है, शारीरिक या मानसिक रूप से दंड जो दिया जाता है उसके कारण से है। चलिए बात कर लेते हैं, क्या स्कूलों में ही शारीरिक दंड दिया जाता है, क्या घरों में बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, चौक चौराहों में दोस्तों के द्वारा हाथ उठाना शारीरिक दंड के अंतर्गत नहीं आता है। जी जरूर आएगा।
तो क्या होता है, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो हम कहीं कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। और गलत कदम क्या होता है कि हम आत्महत्या की ओर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ कहीं भी ऐसा होता है, ठीक है, शारीरिक दंड या मानसिक दंड आपको ऐसा पहुंचाते हैं, चाहे कहीं की बात हो, स्कूल की बात हो या आपके घर की बात हो या कहीं बाहर की बात हो, ऐसा आपके साथ होता है तो आपको चाइल्ड हेल्पलाइन बताया था मैंने, क्या था नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन का, 1098, क्या था 1098, है ना, ये क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अगर हमको ऐसी चीजें कहीं पे दिखती है या हमारे साथ होती है तो हमको क्या करना है, 1098 में कॉल करके इसकी सूचना देना है। समझ में आया, ठीक है, प्रभाव समझ में आया ना, हाँ, शारीरिक दंड भी समझ में आ गया। अगर घर पे आपके परिवार वाले या आपके दोस्त चौक चौराहे में, है ना, या आपके स्कूल में आपको शारीरिक रूप से अगर दंडित किया जाता है, मानसिक रूप से अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, शारीरिक दंड कहलाता है। क्या कहलाता है, शारीरिक दंड। और शारीरिक दंड के प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, बच्चे हताश हो जाते हैं, ठीक है, हताश हो जाते हैं, ठीक है। आप जब यहाँ पे आते हो, आपको करने के लिए बोला जाता है, करने के लिए बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, आपको करो करके, है ना। दंड कब कहलाएगा, जब आप नहीं कर पाते हो, आपको बोला, एकदम बोला जाता है कि आप इसको नहीं कर पा रहे हो, इसको मत करो, बाहर चले जाओ, स्कूल से भाग जाओ, ऐसा बोलते हैं, तो वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करना कहलाता है। लेकिन आपको तो इसको करो करके बोला जाता है ना, है ना, इस काम को, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, वो शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपको अगर प्रेरित करते हैं, मतलब किसी काम को नहीं कर पाते हो, फिर भी आपको बोला जाता है कि आप गलत करते हो, फिर भी हमें बोलिए, मैं बोलता हूँ हमेशा, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, गलत बोलो लेकिन बोलो, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, हाँ। तो हमको ये पहले सबसे समझ में आना चाहिए कि हमको कोई भी चीजें अगर बोलने के लिए कहा जा रहा है, हम नहीं जाते, फिर भी हमें उस पर अपना प्रयत्न करना है, उसका जवाब देने की कोशिश कर